भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अनोखी मंतक इस्तेमाल करते हुए शहरियत से मुतालिक मुस्लिम मुखालिफ बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहरीन पर पुलिस तशद्दुद को दुरुस्त करार देते हुए मुजाहरों का जिम्मेदार कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को ठहरा दिया। नई दिल्ली में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाले हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं, मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और उसके साथियों से, उसकी तरह देश को बांटने की राजनीति करने वाले उनके साथी दलों से, कि आप क्यों देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों उन्हें भड़का रहे हो। आजादी, 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 आजादी।